What is up guys, my name is Saurabh and welcome to my YouTube channel App Review। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था यानी काइन मास्टर एडिटिंग के पार्ट वन में देखा था कि हम किस तरीके से एक वीडियो को एडिट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल स्टाइल के अंदर। तो ये कुछ पिछली वीडियो की अपने पास क्लिप है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उससे आगे के कुछ फीचर के बारे में। इस वीडियो में हम उनको एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके से हम इसको और अच्छे से यूज़ करेंगे। तो हम जैसे ही ऑडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो अपने पास कुछ ऑप्शन आते हैं, म्यूज़िक एसिड, एसएफएक्स एसिड, रिकॉर्ड सॉन्ग एल्बम्स। तो अगर म्यूज़िक के अंदर हम ऐड करें तो हमने जैसे कि इस क्लिप को हमने ऐड किया प्लस बटन पे क्लिक करके। एसएफएक्स एसिड्स में हम देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ साउंड इफेक्ट ऐड करना, जैसे लाफ्टर का साइन, कार ड्राइविंग का, इंजन स्टार्ट ऑन का, हॉर्न का, लाफ्टर का, चेयरिंग का। तो ये कुछ स्मॉल स्मॉल साउंड इफेक्ट है जिन्हें हमें अगर वीडियो में ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लिप को ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, किसी सॉन्ग को ऐड करना हो वो भी कर सकते हैं। तो हम ऑडियो से रिलेटेड सारे जो भी फंक्शनैलिटी है या जो भी फीचर उनको ऐड कर सकते हैं इस वीडियो में। अब देखिए हम इस ऑडियो के ऊपर सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, जो भी अपने पास डीबगिंग, ट्रिम कर सकते हैं इसको, तो अलग अलग कर सकते हैं। अगर हमें कोई म्यूज़िक में कुछ ऐड करना हो तो हम स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे म्यूज़िक के ऑप्शन में से सिंपली प्ले बटन यूज़ करते हैं हम उस ऑडियो को सुनने के लिए। हमने ये म्यूज़िक जैसे सुना, अगर हमको अच्छा लगा तो हम इसको डाउनलोड करके अपनी एडिटिंग टूल के अंदर ऐड कर लेंगे ताकि हम इसको ऑफलाइन यूज़ कर सकें कभी भी। तो ऐसे ही हम यूज़ करेंगे किसका, साउंड इफ़ेक्ट्स का। अब साउंड इफ़ेक्ट जैसे नाम से पता चलता है कोई साउंड इफ़ेक्ट हो, जैसे टेलीफोन का है, की ट्यून का है, कर्टन्स का है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम कह रहे हैं कि साउंड इफ़ेक्ट है जिनको हम अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इनको डाउनलोड करेंगे हम ताकि हम इनको ऑफलाइन भी हम इनको यूज़ कर सकें अपनी वीडियो के अंदर। अब आगे हम इसमें देखेंगे कि अगर हमें इसमें वॉइस ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे। हमें सिंपली वॉइस बटन पर क्लिक करना है और अब देखेंगे इसमें जो फ्लक्चुएशन है ना, ये डिनोट करती है इसमें वॉइस कैसे आएगी। अगर हम इसके फ्रेम को स्ट्रेच करेंगे तो हम एक एक फ्रेम के अंदर वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो अपनी वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये फ्लक्चुएशन बताएगा कि अपनी वॉइस की जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, हाई है, लो है, तो ये उसको डिनोट करता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये काम आता है वॉइस ओवर करने के लिए। एक वीडियो है तो उसमें हमने बाद में कुछ वॉइस ओवर किया तो हम कर सकते हैं। अब इस ऑडियो के ऊपर वही डिफरेंट ऑपरेशन है, इक्वलाइज कर सकते हैं, वॉल्यूम एनवेलप कर सकते हैं, किसी पार्ट में वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, वॉइस को चेंज कर सकते हैं। बट इसमें दो ऑप्शन नए हैं, वो है रिव्यू, जिस ऑडियो को हमने रिकॉर्ड किया उसको हम रिव्यू करेंगे, सुन के देखेंगे क्या वो सही है गलत है, या री रिकॉर्ड करेंगे, कहीं पे कोई गलती होगी तो उस पॉइंट पर हम उसको री रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लेयर के ऑप्शन को। लेयर में होते हैं मीडिया इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट और हैंड राइटिंग। मीडिया इफेक्ट में जो भी मीडिया है अपने पास, जैसे कि कोई भी वीडियो क्लिप है, ऑडियो है, फाइल है, जो भी है, वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इसमें से अब फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये बटरफ्लाई वाली ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट किया है यानी इंपोर्ट किया है इस इमेज में। इसके अंदर कुछ डिफरेंट ऑपरेशन है तो हम देख रहे हैं क्रोमा की का ऑप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रीन स्क्रीन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अब ये बटरफ्लाई इसमें आगे हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं कि हम इस फ्रेम का डुप्लीकेट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने इसका डुप्लीकेट क्रिएट किया तो वो इसके जस्ट नीचे आ गया। मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जहाँ पे भी मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा। अब जैसे कि यह है डुप्लीकेट ब्रिंग ऑन फ्रंट, अब वो जो भी आएगा वो फ्रंट में ऐड हो जाएगी वो क्लिप। तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इसकी डुप्लीकेट को क्रिएट कर सकते हैं कि इसको बैक में भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, सेंडेड बैक, सेंटर ओरिजेंटल। तो इस तरीके से हम इस फ्रेम को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि अपनी एक वीडियो के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से हम वीडियो को एडजस्ट करेंगे उसी हिसाब से हम इस फ्रेम को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें आगे ऐड करना है या पीछे ऐड करना है। जैसे कि अब हम इस क्लिप के अंदर एनिमेशन को, तो इस बटन पर क्लिक करेंगे, अभी एनिमेशन का ऑप्शन होगा तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फिर हम जैसे स्लाइड में आगे मूव करेंगे तो इस पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा। तो इस पॉइंट तक हम इसकी मूवमेंट को सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे की मूवमेंट को सेट। अब हम इसको प्ले करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से वहाँ पे मूव करेगी ये बटरफ्लाई। एक्चुअली तो ये फ्रेम मूव करेगा बट ये अब देखिए इसमें क्या लग रहा है, ये रियलिटी में ऐसा लग रहा है कि ये बटरफ्लाई फ्लाई करके इस साइड से उस साइड जा रही है, बट ये है पूरा एनिमेशन की वजह से।
ओके, तो ये एक पूरा था एनिमेशन। सो आगे हम इस वीडियो में देखिए किस तरीके से हमने इस एनिमेशन को कस्टमाइज़ किया है। तो ऐसे ही हम इन इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके, एनिमेशन का यूज़ करके और ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके इन वीडियो को हम कुछ स्पेशल बना सकते हैं हर किसी वीडियो के अंदर। ओके, अब जैसे सिंपल सी वीडियो में मैंने ये सब किया है, तो हम आगे अब इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम इफ़ेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में अपने पास है गोजियन ब्लर और मोसेसिस ब्लर। इसको ब्लर का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर हमें अच्छे से अगर दिखानी नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे, ब्लर कर देंगे, यानी वो धुंधली दिखाई देगी। तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से कि जिस भी की हमें रिक्वायर्ड होगी, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको फ्रेम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड करना है, राइट साइड करना है। अब इसकी सेटिंग में क्या, हम इसका एनिमेशन लगा सकते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, और शेप क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का ब्लर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर फेस को ब्लर करना है तो हम सर्कुलर करेंगे, रेक्टेंगल करेंगे किसी कार के लिए, तो वो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। साथ में इसमें क्या है, सेटिंग में हम देखेंगे कि जो ब्लर की स्ट्रेंथ है वो दिखाएगा कि ब्लर कितनी स्ट्रेंथ का हो, या उसमें से कुछ विजिबल होगा या नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ बताएगा इस ब्लर में पता चलेगा। सिमिलरली ओवरले इफेक्ट में हम देखेंगे कुछ ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम ओवरले यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने उसकी क्या वीडियो क्लिप को हम और ज़्यादा बेटर और एनहांस कर सकें। बट अगर हम चाहें तो इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। किस पर से भाई, जो काइन मास्टर का स्टोर है उस पर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ किसके लिए, एक प्रीमियम यूज़र के लिए। ओके, सो अब जिसमें से, अब जैसे कि हम इसके स्टोर पे आएँ तो एनिमेशन के लिए अब ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके, अब जैसे कि ये फिंगर टच वाला ओवरले है तो ये एनिमेशन में हम यूज़ करेंगे, तो हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से ताकि हम इसको ऑफलाइन यूज़ कर सकें। ओके, तो अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे किस तरीके से हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। बट टेक्स्ट तो इम्पोर्टेंट है उसमें अपनी एक क्लिप के अंदर ऐड करने के लिए। तो हम जैसे कि मैं अभी टेक्स्ट में लिखूँगा, कुछ मैं टाइप करूँगा और हम उसको डिस्प्ले करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो मैं इसमें अब टाइप करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अब जैसे कि मैं ये टाइप करूँगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद मैं ओपन पे क्लिक करूँगा और ओके बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो टेक्स्ट है ये अपनी स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा। अब जैसे कि ये टेक्स्ट है ये हमारी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो चुका है। ओके, अब ये कुछ साइड में ऑप्शन मिलते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल को देख सकते हैं किस स्टाइल में हम फ़ॉन्ट को अरेंज करेंगे। अब जैसे कि मैंने इसमें किया है, ओके, सो यहाँ से मैंने इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया है। अब मैं ट्रिम भी कर सकता हूँ, ओके, इसके फ्रेम के वाइज कि इसको लेफ़्ट साइड से ट्रिम करना है, राइट से करना है या स्प्लिट करना है। अब मैं इन टेक्स्ट के कलर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। एनिमेशन तो है ही, वो तो सेम होगा जो वीडियो और फोटो की तरह है कि हम इन एनिमेशन कर सकते हैं, ओवरऑल एनिमेशन को सेट कर सकते हैं, या आउट जब ये टेक्स्ट ख़त्म होगा एंडिंग में तो किस तरीके के एनिमेशन के साथ होगा, स्टार्ट होगा तो कैसे होगा, और विद इन द क्लिप की जो एनिमेशन होगा वो किस तरीके से होगा इस टेक्स्ट के अंदर। ओके, सो अब इसमें कुछ अलग ऑप्शन भी है, जैसे आउटलाइन है, तो अब इसमें आउटलाइन को हम ऑन करेंगे। अब देखना इसमें अगर वेट को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो क्या डिफरेंस आता है इस पर। ओके, तो ये डिफरेंस आता है आउटलाइन में। अब कुछ और देखेंगे, जैसे कि टेक्स्ट ऑप्शन है, अब मान ले एक से ज़्यादा मल्टीपल टेक्स्ट है तो वो किस वे में अरेंज हो, तो उसको हम कर सकते हैं। साथ में हम देखेंगे शेडो। ओके, तो इन शेडो में जो ये टेक्स्ट है इसकी शेडो कैसे दिखेगी, ओके, तो उसको कर सकते हैं। अब ग्लो ऑप्शन पे क्या आएगा कि ये जो टेक्स्ट है वो ग्लो करे। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे किस कलर में ग्लो करेगा। अब जैसे मैंने किया ग्रीन, तो ये कितना स्प्रेड करेगा उसको भी, इंटेंसिटी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट आता है बैकग्राउंड कलर। अब जो पीछे जो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो, अब इन टेक्स्ट रेंज में से हम सेलेक्ट करेंगे कि क्या बैकग्राउंड का कलर हो। अब फुल विड बैकग्राउंड का मतलब क्या है ऑन ऑफ करने का, इसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट है क्या उससे उसके पीछे ही सिर्फ बैकग्राउंड हो या फिर कंप्लीट हो, तो इससे क्या होगा वो कंप्लीट लाइन अपीयर हो जाएगी पूरी क्लिप के अंदर, कंप्लीट लाइन आएगी। ओके, सो अब हम इसमें, ये तो लास्ट में अपने पास दो ऑप्शन है, इसमें कुछ ग्राफिक की टर्म में अपीयर होगा, उसमें टेक्स्ट की टर्म में। ओके, तो इस कीबोर्ड के बटन से हम री एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। ओके, ऊपर जो कीबोर्ड का बटन है उससे
हम एडिट कर लेंगे जो भी हमने टेक्स्ट को टाइप किया है। अब तो यार आगे हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम हैंड राइटिंग को एक्सेस करें। तो हैंड राइटिंग को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब देखिए इसमें हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमें स्क्वायर चाहिए, सर्कल चाहिए, फिल चाहिए या फिर सॉलिड चाहिए या फिर लाइन चाहिए। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे उसकी थिकनेस क्या होगी, कितनी थिकनेस का होगा वो। ओके, तो ऐसे हम कुछ शेप्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम उनकी शेप के कलर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने रेड कलर किया है सेट। ओके, अब मैं इरेज, ये इरेज ऑल के बटन पे क्लिक करके सब कुछ इरेज हो जाएगा। ओके, जो इससे पहले वाला इरेज बटन है उस पर क्लिक करके हम मैन्युअली इरेज करेंगे। अब जैसे कुछ ऑप्शन है जो कि हम एक शेप के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, सो वो इन एनिमेशन, ओवरऑल और आउट एनिमेशन तो है ही। ओके, सो इनमें क्या होगा, जैसे कि अब मैं आपको एक एनिमेशन करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये सर्कल ड्रॉ होगा, ये रेक्टेंगल ये जो रेक्टेंगल शेप है अब ये ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ये किस में होगी, तो रेन में होगी। तो किस एनिमेशन के जरिए हम इसको ड्रॉ करेंगे, अब जैसे कि हम आउट एनिमेशन करेंगे, इरेज इन ऑर्डर, इरेज इन स्ट्रोक। ओके, सो किस तरीके से ये, जब ये रेक्टेंगल की शेप ओवर होगी तो ये किस एनिमेशन में ओवर होगी। तो यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे उसकी ओपेसिटी कि कितनी इसकी विजिबिलिटी होगी, कितनी नहीं होगी, तो वो सारी हम चीज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली रोटेट ऑप्शन है, ट्रिम भी कर सकते हैं हम इसको, फ्रेम की लेंथ को कि किस साइड से हमें इसको ट्रिम करना है, किस साइड से हम इसको एडजस्ट करेंगे, किस साइड, और साथ ही साथ हम इसको फ्रेम को रोटेट भी कर सकते हैं। तो यार ये कुछ ऑपरेशन है जो कि हम काइन मास्टर में परफॉर्म करेंगे। ओके, सो अब इसमें मैंने इस शेप के साथ क्या किया, अब हम इस शेप के साथ कुछ एनिमेशन को परफॉर्म करेंगे। मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव हो जाए और यहाँ से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर से फोर्थ पॉइंट पे मूव हो जाए इस पूरी क्लिप के अंदर। तो अब देखिए आगे मैं इस क्लिप को प्ले करता हूँ जब क्या होता है। बेसिकली इस एनिमेशन के अंदर हमने चार पॉइंट को सेट किया है, उसके बीच में हम इस शेप को मूव करेंगे ताकि वो एक एनिमेशन लगे। ये कुछ एनिमेशन था जो हमने परफॉर्म किया है इन शेप्स को यूज़ करके। तो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे, अगर अपने पास मान लो कि एक से ज़्यादा, आप जैसे कि हमने लेयर को इन्वॉल्व किया है, तो उन लेयर को हम किस तरीके से हम देख सकते हैं, किस तरीके से वो करेंगे। अब जैसे कि इसमें हमने क्या किया, एक फ्रेम को हमने कैप्चर किया है। अब जैसे कि मैंने उस बटन पर क्लिक करके, यहाँ से हम अगर मल्टीपल लेयर्स है तो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब देखिए वीडियो यहाँ पर प्ले हो रही है नीचे। ओके, सो हम यहाँ से मल्टीपल लेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, फाइनली यार अगर हमें अपनी वीडियो कंप्लीट हो गई तो हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। बिट रेट को जितना हाई होगा उतना वीडियो का रेजोल्यूशन हाई होगा, फ्रेम रेट भी सेम है और रेजोल्यूशन है कि किस क्वालिटी में हमें वीडियो चाहिए। तो यार अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।